स्पेशल स्टाफ टीम ने मुठभेड़ के बाद नंदू गैंग के चार बदमाशों को दबोच लिया है। कुछ दिन पहले इन्हीं बदमाशों ने नजफगढ़ में मंजीत महाल गैंग के टिंकू उर्फ शिवांश को गोलियों से भून डाला था। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान सोनीपत निवासी 18 वर्षीय सौरभ विलेज हरखड़ी नहर नई दिल्ली निवासी 24 वर्षीय विनय उर्फ लालू के रूप में हुई है। इनमें दो नाबालिग हैं। एक नाबालिग पहले से ही थाना छावला के एक मर्डर केस में वांटेड था। इनके पास से 3 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स, 1 देसी तमंचा और 9 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। दिनांक 27 सितंबर 2021 को बाबा हरिदास नगर थाना में अमन गार्डन खैरा रोड नजफगढ़ के पास कार के अंदर गोली मारकर हत्या की एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। स्थानीय पुलिस वारदात स्थल पर पहुंची और पाया कि कुछ अज्ञात हथियारबंद हमलावरों ने कार के अंदर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतक की पहचान गांव मोधेला कला निवासी टिंकू उर्फ शिवांश के रूप में हुई थी। पुलिस ने जांच में पाया कि मृतक शिवांग पर हमला करने वाले बदमाश स्विफ्ट गाड़ी में आए थे। गाड़ी में 2 से 3 लड़के थे। पुलिस को यह भी पता चला कि मृतक मंजीत महल गैंग से ताल्लुक रखता था। जिन्होंने गोली मारी वह नंदू गैंग से ताल्लुक रखते हैं। यह गैंगवार में हुई हत्या बताई जा रही थी। मौके पर कोई भी चश्मदीद गवाह या शिकायतकर्ता सामने नहीं आया था। बाबा हरिदास नगर थाना पुलिस ने दिनांक 27 सितंबर 2021 को डीडी एंट्री करके एफआईआर संख्या 471/21 अंडर सेक्शन 302 हत्या का मामला दर्ज किया। दिन दहाड़े हुआ मर्डर पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। गैंगवार में हुए ब्लाइंड मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए स्पेशल स्टाफ, एएटीएस, लोकल पुलिस और साइबर सेल की अनेकों टीम बनाई गई। लेकिन सफलता स्पेशल स्टाफ के हाथ लगी। एसीपी विजय सिंह की सुपरविजन और स्पेशल स्टाफ द्वारका इंस्पेक्टर नवीन कुमार के नेतृत्व में एएसआई नानक राम, रंजीव त्यागी, अरविंद महेंद्र, एएसआई उमेश, हेड कांस्टेबल अनिल, अजय, कुलभूषण, संदीप और कांस्टेबल संदीप की एक टीम ने ब्लाइंड मर्डर केस में शामिल 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल स्टाफ की एक टीम अननोन क्रिमिनल्स की ट्रेसिंग कर रही थी। एक टीम वारदात स्थल के आसपास लगे सैकड़ों सीसीटीवी को खंगाल रही थी। स्पेशल स्टाफ ने मुखबिरों का जाल बिछाया, साथ ही ब्लाइंड मर्डर केस में क्लू पाने के लिए दर्जनों क्रिमिनल्स को इंटेरोगेटेड किया और दिल्ली एनसीआर में सस्पेक्ट ठिकानों पर छापामारी की। 30 सितंबर 2021 को स्पेशल स्टाफ की टीम को सूचना मिली थी कि गैंगवार में शामिल नंदू गैंग के कुछ लोग झड़ौदा कला आने वाले हैं। पुलिस ने गंदा नाला रोड झड़ौदा कला में जाल बिछाया और आरोपियों का इंतजार करने लगी। आरोपियों के आने पर स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर नवीन कुमार की टीम ने उनसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन दो आरोपियों ने पिस्तौल से फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली एएसआई उमेश कुमार की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी कई गोलियां चलाई और चारों को दबोच लिया। पूछताछ में पता चला कि इनमें से 2 नाबालिग हैं, जिनकी उम्र 16 और 17 साल है। वहीं गिरफ्तार 2 अन्य बदमाशों की पहचान सोनीपत निवासी 18 वर्षीय में सौरभ विलेज हरखड़ी नहर नई दिल्ली निवासी 24 वर्षीय विनय उर्फ लालू के रूप में हुई है। पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपियों ने बताया कि उन्हें टिंकू की हत्या के लिए जेल में बंद बदमाशों की तरफ से आदेश आया था। आरोपियों के अनुसार जेल में बंद नंदू गैंग के लोगों का मानना था कि टिंकू मंजीत महाल गैंग से जुड़ा है, इसके चलते उसकी हत्या की साजिश रची गई। दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर कपिल संगवान उर्फ नंदू दिल्ली पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुका है। दिल्ली पुलिस ने कपिल पर 2 लाख का इनाम रखा है। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। वो यूके से बैठकर अपना गैंग चला रहा है। पुलिस को यूके में कपिल की मौजूदगी की एक तस्वीर भी हाथ लगी है। कपिल संगवान कभी एमिटी यूनिवर्सिटी मनेसर से होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था, उसी दौरान अपराध की दुनिया से जुड़ा और बाद में अपना गैंग बना लिया। दिल्ली पुलिस उसे पहले गिरफ्तार भी कर चुकी है। कपिल पर हत्या, हत्या की कोशिश जैसे करीब दर्जन भर मामले दर्ज हैं। कपिल कई सालों से अंडरग्राउंड है, हालांकि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। को गोली मारी थी, पुलिस को कॉल मिली थी तो पुलिस मौके पर पहुंची। यह लड़का जिसका नाम सुभाष अलियास टिंकू था, मुंगेला कला का रहने वाला था, वो मृत हालत में गाड़ी में मिला था। उसको गोली लगी हुई थी, इसका कोई आई विटनेस नहीं था। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू करी।
एविडेंट एंट्री के बेसिस पे इसमें FIR दर्ज की और आगे इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाया। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी टीम बनाई गई थी जिसमें साइबर सेल सभी ने अपने अपने लेवल पे कार्रवाई शुरू की। बहुत सारी टीमों ने NCR में काम करना शुरू किया। बहुत सारे क्रिमिनल्स है उनका रिकॉर्ड निकाला, उनके सहयोगी, उनके सिंपेथाइजर उनका पता किया। इसके अलावा बहुत सारे फोन नंबर की लोकेशन और डिटेल को चेक किया और कुछ लीड डेवलप की। स्पेशल स्टाफ द्वारका डिस्ट्रिक्ट की टीम जो कि बहुत सारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे भी काम कर रही थी, उसको कहीं से लीड मिली कि ये लड़के गंदा नाला झाड़ोदा कला यहाँ पर घूम रहे हैं, जो कि बाबा हरिदास नगर में अपनी ट्रेन थी। गंदा नाला रूट झाड़ोदा कला यहाँ पर टीम पहुँची तो चार लड़के देखे, उन्होंने पुलिस को देखा, टीम को देखा तो उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया। फायरिंग में हमारे एक ASI की जान ब्लड प्रूफ जैकेट की वजह से बहुत बाल बाल बचे। पुलिस ने फायरिंग का जवाब फायरिंग से दिया। पुलिस की फायरिंग के बाद चारों वहां से भागने लगे खेतों की तरफ। पुलिस की टीम ने जो कि ऑलरेडी वहाँ पर लगी हुई थी उन्होंने उनको एक्सीडेंट में पकड़ा, जिसमें चार लड़के थे, दो जुबनाइल थे उनको एक्सीडेंट किया गया। इसके अलावा दो क्रिमिनल थे उनको अरेस्ट किया गया था और अब जो सोनीपत के रहने वाले हैं और एक विनय है जो दिल्ली का रहने वाला है, इनके ये केस के वर्कआउट के साथ साथ एक महीने पहले एक सेंसेशनल मर्डर का केस था, उसमें भी इनमें से एक अक्यूज वांटेड था। PS सावला का केस था जिसमें होटल के असिस्टेंट मैनेजर लड़का था उसको गोली मारी थी, वो केस भी वर्कआउट किया है। चारों से तीन सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स बरामद किए, एक कंट्रीमेड पिस्टल है और 9 लाइव राउंड बरामद किए हैं। चारों क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।